आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म को देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं बोलिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझा जाता है। जैसे वह विद्यालय गया है, वह विद्यालय, या वह विद्यालय जा चुका है, तो जा चुका है लग गया, या विद्यालय गया है तो या है लग गया। तो जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से अंत में क्या लगा रहे, या है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये उसकी पहचान हो गई हिंदी में। वॉइस बनाने के लिए पहचान से मतलब नहीं है, उसके इंग्लिश की पहचान को याद रखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की इंग्लिश की क्या पहचान है, इंग्लिश में कैसे समझेंगे? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, हैज या हैव, क्या आएगा, हैज या हैव, प्लस भी थ्री, और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस की बनावट इस प्रकार से है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये बात गांठ बांध लो। दो चीजें, इज एम आर, वाज वेयर, इज एम आर, वाज वेयर के बाद हमेशा भी फोर ही आएगा टेंस में। इज एम आर रहे या वाज वेयर रहे तो उसके बाद भी फोर ही आएगा। हैज हैव या हैड रहेगा तो उसके बाद भी थ्री ही आएगा। हैज हैव या हैड रहेगा तो भी थ्री ही आएगा, तो वहाँ भी फोर कभी भी नहीं आएगा टेंस में, कभी भी नहीं आएगा। हैज हैव या हैड रहेगा तो भी थ्री ही आएगा टेंस की बात। लेकिन जब हम वॉइस में जाते हैं तो इज एम आर के बाद भी थ्री आ सकता है। जब वॉइस में जाते हैं तो, टेंस में जाते हैं तो नहीं होगा, वॉइस में जाएंगे तो, अर्थात एक्टिव वॉइस की स्थिति में कभी भी इज एम आर के बाद भी थ्री नहीं आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में आएगा, ये ध्यान रखना है। वाक एक्टिव वॉइस का होगा तो इज एम आर के बाद भी थ्री आ सकता, एक्टिव वॉइस रहेगा तो नहीं आएगा, और पैसिव वॉइस रहेगा तो। हैज हैव किसी वाक्य में आया है तो उसका इंडिकेशन है कि वह भी थ्री आएगा, हैज हैव इंडिकेशन है भी थ्री आएगा। तो इसकी बनावट है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी थ्री प्लस। अब हैज किसके साथ लगाते हैं, हैव किसके साथ लगाते हैं बताने की आवश्यकता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, अब बाकी जितना बच गया सबके साथ हैव। तो वह विद्यालय गया है तो क्या बनाएंगे, ही हैज गोन टू स्कूल, ही हैज गोन टू स्कूल, वह यह काम कर चुका है तो क्या बनाएंगे, ही हैज डन दिस वर्क, ही हैज। इसमें भी उसी प्रकार से जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यह बात अनिवार्य है, जरूरी है वाक्य में कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों होना चाहिए, वर्ब तो जरूरत है ही, अर्थात तो उसकी बनावट सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर होनी चाहिए। अगर इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव फॉर्म उसका क्रिएट नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा। जैसे कहे राधा, राधा हैज प्लेड क्रिकेट, राधा हैज प्लेड क्रिकेट, राधा क्रिकेट खेल चुकी है, या राधा क्या है सब्जेक्ट है, हैज हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, नहीं ये भी थ्री हो गया और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। या इसका टेंस में अगर बात करते हैं तो टेंस, या वॉइस में बात करते हैं तो यह एक्टिव वॉइस की बनावट है। किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस की बनावट है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। अब इसके पैसिव वॉइस की बनावट क्या होगी, पैसिव वॉइस में जैसे ही जाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा, अब प्लस बीन सब में अपने मन से क्या करना है जोड़ देना है, उसके बाद भी थ्री, और उसके बाद बाय, और उसके बाद तब ऑब्जेक्ट आएगा, जो सब्जेक्ट रहेगा उसको। इसको भी उसी प्रकार से इंटरचेंज करेंगे जो पिछले दो टेंस को किए हैं। अब इसको देखिए बदलते हैं, जब भी हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को ही उठाकर ले जाएंगे और क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। स्टेप वन क्या करेंगे,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो क्रिकेट लिख दिए। क्रिकेट के हिसाब से हैज होगा या हैव होगा? हैज होगा, लिख दिए हैज। कोई दिक्कत समझने में इतना? इसके बाद क्या करना है अपने मन से? बीन जोड़ देना है, बीन लिख दिए। अब इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? खेलने का। ऑलरेडी वी थ्री के फॉर्म में है ही, इसी को डायरेक्ट लिख देंगे। फिर अपने मन से क्या जोड़ देना है? बाय। अब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसमें ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, यहाँ लिख देंगे राधा। क्या लिखेंगे? राधा। कोई दिक्कत? केस में अगर है तो नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव में बदल जाएगा। जैसे ही हैज बीटेन हर, ही हैज बीटेन हर, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वी थ्री हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हो गया। अब इसको कैसे इंटरचेंज करेंगे? हर है, किसका ऑब्जेक्टिव केस है? तो सी का। तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? सी। सी के साथ क्या लगाएंगे? बीटेन है ही, उसके पहले क्या जोड़ देना है? बीन। उसके बाद लिखेंगे बीटेन, बीटेन बाय। अब ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। तो केस जिस प्रकार से पिछले टेंस में बदले सेम बदलेंगे, ठीक है। आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। इसी प्रकार से सी का हर और ही का हिम। इसी प्रकार से हिम रहेगा तो उल्टा चेंज कर देंगे, इस प्रकार से केस बदलेगा। कोई दिक्कत? आपको सिर्फ याद रखना है कि सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वी थ्री है, तो उसके पैसिव की बनावट सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वी थ्री बाय के साथ जोड़ देना। ये बातें आपको याद रख, यही इंटरचेंज हो रहा है, आपको यही दोनों याद रखना है। बात समझ में आ गया? टेंस आपको समझ में आएगा, पैसिव बन जाएगा। टेंस समझ में नहीं आएगा तो ये बीन जो वर्ड जोड़े हैं आपको कैसे पता लगेगा? बीइंग जोड़े थे, कैसे पता लगेगा? टेंस से ही आपको यह पता लगेगा और टेंस की बनावट आपको याद रखना है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो एक बताइए, मोहन हैज स्पोकन इंग्लिश, जोर से बोलिए, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मोहन। आगे बनाइए, दे हैव ईटन राइस, राइस हैज बीन ईटन बाय देम। कोई दिक्कत कि नहीं? मैं लिख लीजिए अब।